हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू टुडेज वीडियो। सो गाइज, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आरसीसी स्टेट केस बनाने के लिए क्या क्या जरूरी है। ठीक है, कितना एमएम का रॉड यूज करेंगे, स्टील कितना एमएम का रहेगा और उसका स्पेसिंग कितना एमएम का रहेगा, आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यह है आरसीसी स्टेट केस का ड्रॉइंग, आप देख सकते हैं इस पिक्चर में। ठीक है, तो गाइज सबसे पहले क्या होता है, आरसीसी स्टेट केस बनाने से सबसे पहले हम लोग का क्या है, फॉर्म वर्क लगाना पड़ता है। ठीक है, इसके नीचे क्या होगा, हमारा फॉर्म वर्क रहेगा। ठीक है, इस टेम्प्रोरी स्ट्रक्चर होता है वुडन का, स्टेयर केस बनाने से पहले क्या होता है, फॉर्म वर्क लगाना पड़ता है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, स्टील अरेंजमेंट होता है। ठीक है, तो गाइज स्टील अरेंजमेंट में सबसे पहले क्या होता है, हम लोग को मेन बार बिछाना पड़ता है। आप देख सकते हैं ये मेन बार है। ठीक है, तो गाइज मेन बार हम लोग कितना एमएम का यूज करेंगे, 10 एमएम का बार यूज करेंगे। ठीक है, 10 एमएम या फिर 12 एमएम का क्या करेंगे, बार यूज करेंगे। ठीक है, और उसका स्पेसिंग रखेंगे 6 इंच उसका स्पेसिंग रखेंगे। ठीक है, और गाइज जो सेकेंडरी बार होता है, ये जो जो वेस्ट स्लैब का विथ होता है, जो सेकेंडरी बार होता है, वो कितना एमएम का हम लोग यूज करेंगे, 8 एमएम का, 8 एमएम या फिर 10 एमएम का यूज कर सकते हैं। ठीक है, और भी 180 एमएम सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। ठीक है, और गाइस सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि हम लोग को क्या है, टॉप एक्स्ट्रा बार यूज़ करना है। ठीक है, आरसीसी स्टेट केस में क्या है, टॉप एक्स्ट्रा बार हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, और इसका जो कारण होता है, क्यों यूज़ करते हैं टॉप एक्स्ट्रा बार, वो डिस्कस करेंगे, चलते हैं सेकेंड में। तो गाइस आप ये देख सकते हैं, ये टॉप एक्स्ट्रा बार दिया गया है जो कि रॉन्ग मेथड में दिया गया है। ठीक है, तो गाइस ऐसे हम लोग को नहीं देना है। अगर टॉप एक्स्ट्रा बार देंगे तो हम लोग कैसे देना पड़ेगा, आप ऐसे दे सकते हैं, यहाँ तक जितना जो विथ लैंडिंग का विथ होगा उतना देंगे, और एक्स्ट्रा क्या है, एल बाई थ्री के डिस्टेंस में जितना आपका वेस्ट स्लैब रहेगा, बाई थ्री के डिस्टेंस में क्या है, मान के चलिए 12 फीट का जो वेस्ट ऑफ स्लैब है, वेस्ट स्लैब कितना है, 12 फीट का है, तो हम 3 फीट के डिस्टेंस में क्या देंगे, इसका टॉप एक्स्ट्रा बार हम लोग प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ऐसे हम लोग को नहीं देना है, जैसे फर्स्ट पिक्चर में दिखाया गया है, ये इनकरेक्ट मेथड ऑफ गिविंग टॉप एक्स्ट्रा बार है। तो गाइज जैसे हम लोग को टॉप एक्स्ट्रा बार देना है। ठीक है, तो गाइज टॉप एक्स्ट्रा बार क्यों देते हैं, आप देख सकते हैं इसमें। तो गाइज टॉप एक्स्ट्रा बार देने का एक ही मकसद है क्या, कि ये नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट को रेसिस्ट करता है। ठीक है, तो गाइज यहाँ पर जो है नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट होता है, उसको क्या है, वो रेसिस्ट करता है, इसीलिए हम क्या लेते हैं, टॉप एक्स्ट्रा बार देते हैं। और एक और काउज है कि जो सपोर्ट के नज़दीक में होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर और यहाँ पर क्या होता है, मैक्सिमम शियर फोर्स यहाँ पर होता है। ठीक है, यहाँ पर मैक्सिमम शियर फोर्स, यहाँ पर लोड ज़्यादा पड़ता है। ठीक है, इस कारण से क्या होता है, हम लोग टॉप एक्स्ट्रा बार देते हैं। ठीक है, टॉप एक्स्ट्रा बार देने का यही रीज़न है। ठीक है, तो गाइज चलते हैं अब स्टेयरकेस जो डायमेंशन है। ठीक है, तो गाइज जो राइजर है 6 इंच का होगा हमारा राइजर, इसको राइजर बोलते हैं, ये जो है ये इसको राइजर बोलते हैं। तो गाइज इसका जो डायमेंशन है 6 इंचेस होगा। ठीक है, तो गाइज ट्रेड का डायमेंशन कितना होगा, ये ट्रेड है, ये ट्रेड है, जो हॉरिजॉन्टल पार्ट होता है ये ट्रेड है। तो गाइज इसका जो डायमेंशन होगा कितना, 10 से 12 इंचेस हम लोग देंगे। ठीक है, 1 फुट के बराबर हम लोग क्या देंगे, इसका ट्रेड का डायमेंशन देंगे। ठीक है, फ्लाइट थिकनेस क्या होगा, हम लोग का फ्लाइट जो फ्लाइट का थिकनेस होता है, जो फ्लाइट है, ये फ्लाइट है, इसका जो थिकनेस होगा वो 5 इंच होगा। ठीक है, इसका जो थिकनेस होगा वो 5 इंच होगा। ठीक है, और जो वेस्ट स्लैब रहेगा इसका भी थिकनेस हम कितना देंगे, 5 इंच देंगे। ठीक है, और विथ ऑफ द लैंडिंग कितना होगा, इसका जो लैंडिंग का विथ है वो भी कितना देंगे, 3 फीट तक देंगे। ठीक है, ये रेसिडेंटल बिल्डिंग के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो गाइज विथ ऑफ द फ्लाइट कितना होगा, 3 फीट होगा। ठीक है, और लैंडिंग का जो डायमेंशन है, तो गाइज इसे बोलते हैं लैंडिंग, ये जो है, सॉरी, ये जो पार्ट है यहाँ पर, जो हम लोग यहाँ से और दूसरा फ्लाइट लेते हैं दूसरा, तो यहाँ पर क्या होता है, ये लैंडिंग होता है। ठीक है, तो इसका डायमेंशन कितना होगा, 7 फीट होगा। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगा, 7 फीट इसका डिस्टेंस रहेगा। ठीक है, और इसका जो चौड़ाई है कितना रहेगा, 3 फीट तक रहेगा। ठीक है, ये चौड़ाई 3 फीट रहेगा। ठीक है, तो गाइज ये था आज का वीडियो, में आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना चैनल को। ठीक है,
और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।